Press the bell icon on your YouTube app and get the yummy updates on your mobile. Hello and welcome to RJ Payal's Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की तड़केदार सब्जी. यू तो बैंगन का नाम सुनकर लगता है कि व्रती रख लो, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगे तो हर हफ्ते खाने का मन करेगा. तो चलिए देखते हैं बैंगन आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. 5 कटे हुए बैंगन, इन्हें पानी में डालकर रखना ताकि काले ना पड़े. 3 कटे हुए आलू, 3 कटे हुए टमाटर, 2 कटे हुए प्याज, 5-6 कटी हुई लहसुन, 2 कटी हुई हरी मिर्चें और मसाले जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला और 4-5 चम्मच तेल. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले कुकर में तेल डालेंगे. टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तब इसमें डालें बैंगन और आलू. स्वाद अनुसार नमक डालें और फिर इसे अच्छे से मिक्स करें. अब डालेंगे 1/4 कप पानी. अब कुकर का ढक्कन लगाएं और कम से कम 5-6 सीटी लगाएं ताकि आलू भी अच्छे से पक जाएं. 6 सीटी के बाद लीजिए हमारी तड़केदार गर्मा गर्म आलू और बैंगन की सब्जी एकदम तैयार है. इसे चावल, रोटी, पराठा या पूरी के साथ एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें.